विश्व में चल रहे इसराइल हमास और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में अमेरिका सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से युद्ध में शामिल है। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन को और दूसरी तरफ इसराइल को भरपूर मदद दे रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरे पक्ष वालों को किसी का समर्थन नहीं है। हमास को भी हिजबुल्ला और ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ये समर्थन करने वाले अपना समर्थन तो जारी रखना चाहते हैं लेकिन ये भी चाहते हैं कि दूसरा अपना समर्थन बंद कर दे और इसके लिए ये हर संभव तरीके अपनाते हैं। अब ईरान ने हमास के खिलाफ युद्ध में इसराइल का समर्थन करने के लिए कई अमेरिकी और ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थाओं पर गुरुवार को प्रतिबंध की घोषणा की है। इसराइल के कट्टर दुश्मन ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 7 अमेरिकियों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनमें अमेरिकी विशेष अभियान कमान के कमांडर जनरल ब्रायन पी फेंटन और अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के पूर्व कमांडर वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर शामिल हैं। प्रतिबंधित किए गए ब्रिटिश अधिकारियों की बात करें तो उनमें रक्षा राज्य सचिव ग्रांट शार्प्स, ब्रिटिश आर्मी स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर जेम्स होकिन हॉल और रेड सी में यूके रॉयल नेवी शामिल है। बात करें प्रतिबंधित की गई अमेरिकी कंपनियों की तो उनमें लॉकहीड मार्टिन और शेवरॉन का नाम आता है। इनके अलावा एल्बिट सिस्टम्स, पार्कर, मेगिट और राफेल यूके जैसे ब्रिटिश कंपनियों के खिलाफ भी दंड की घोषणा की गई है। मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंधों में ईरानी वित्तीय और बैंकिंग सिस्टम में खातों और लेन देन पर रोक लगाना, ईरान के अधिकार क्षेत्र के भीतर संपत्तियों को अवरुद्ध करना और साथ ही वीजा जारी करने और ईरानी क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है। ये देश अपनी रणनीति और कूटनीति के तहत एक दूसरे का समर्थन करे या ना करे, एक दूसरे पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए या ना लगाए, लेकिन इन युद्धों ने आम नागरिकों का बड़ा नुकसान किया है जो अभी भी जारी है। रूस यूक्रेन से लेकर इसराइल हमास के युद्ध में अब तक हजारों निर्दोष नागरिक और मासूम मारे जा चुके हैं। अकेले इजरायली हमलों में अब तक गाजा में कम से कम 34,568 लोग मारे गए हैं जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं।